प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत की सरकार बांग्लादेश को प्याज का निर्यात कर रही है, निर्यात को शुरू किया, तभी से सरकार ने 40% ड्यूटी लगा रखी है। 40% ड्यूटी नहीं हटाई उसके पहले जब तालिबान से आयात कर लिया, अफगानिस्तान से आयात कर लिया, तो उस आयात के ऊपर भी 40% ड्यूटी लगना चाहिए। आप देश के किसानों का भला नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश के किसानों का भला कर रहे हैं। आपको यदि अपने देश के किसानों की चिंता होती, यदि आपको अपने देश के व्यापारियों की चिंता होती, तो आप 40% ड्यूटी लगाकर दूसरे देश को निर्यात नहीं करते। आप फ्री ड्यूटी में तालिबान से प्याज का आयात करवा रहे हैं, किसानों में घबराहट पैदा कर रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ प्याज के दाम को गिराना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। और सरकार की जो आयात का जो जिन है, यह सिर्फ एक दिखावा है। सरकार यह सोच रही है कि हम 200-300 गाड़ी मंगाकर किसानों की, व्यापारियों के दिमाग में एक गलत संदेश भर देंगे, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने जब से आयात किया है, बहुत आग की तरह पूरे भारत में सोशल मीडिया पर रिपोर्टें चल रही है, लेकिन इन रिपोर्टों के बावजूद भी प्याज का बाजार हमारे इंडिया में स्टेबल देखा गया है। गोल्टा गोल्टी मालों में तो प्याज का बाजार अप ही है, डाउन नहीं है। एवरेज क्वालिटी माल में जरूर 1 से 2 रुपए का डाउन हुआ है, बाकी क्वालिटी वाले माल में किसी भी प्रकार से कोई भी प्याज में बाजार डाउन नहीं है। आलू में भी इसी प्रकार से इन्होंने धोखा दिया था, लहसुन में भी इन्होंने, चाइना की लहसुन आ गई है, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद लहसुन 300 रुपए किलो से ऊपर लहसुन बिका था। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में लहसुन का वीडियो जब डाला था कि दिसंबर में लहसुन 300 रुपए किलो होगा, 300 रुपए किलो लहसुन बिका था। इन लोगों की मंशा सिर्फ यह रहती है कि जैसे तैसे बाजार में जैसे आमदनियां कम हो रही है, तो उस आमदनियों को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ा जाए? 2-3, 2-3-4 गाड़ियां मंगाकर भारत देश की पूर्ति करना चाहती है भारत की सरकार। भारत के व्यापारी जो इन लोगों से मिले हुए हैं, इन लोगों को, किसानों को पास में 2 पैसा आ रहा है तो वो हजम नहीं हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि 2-3-4 गाड़ी बनाओ, फिर रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाकर सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार करो। लेकिन किसान मित्रों, किसी भी प्रकार से ऐसी चीजें जब आपके पास आएगी, जब प्याज का बाजार, आलू का बाजार, लहसुन का बाजार बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से आप लोगों के पास में सोशल मीडिया पर भड़काऊ, जिससे हमारा दिमाग, किसानों का दिमाग, छोटे व्यापारियों का दिमाग, छोटे किसानों का दिमाग भ्रमित हो जाए, और हम लोग क्या करेंगे कि घबराहट में अपने माल को मंडियों में धड़ाधड़ ले जाएंगे, भीड़ कर देंगे। तो इन लोगों की हमेशा से यही साजिश रही है। आप इस साजिश का शिकार ना हो, किसी भी प्रकार से प्याज के बाजार दबने वाले नहीं है। प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपए, 3 रुपए की उठापटक चलती रहेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। प्याज का बाजार अभी श्रावण लगने वाला है, सावन में वैसे ही पवित्र मास हिंदू धर्म का माना जाता है, इसलिए कुछ बाजार में उठाव कमजोर हो सकता है, लेकिन प्याज का बाजार स्टेबल हो सकता है। प्याज का बाजार में उठाव कम हो सकता है, लेकिन प्याज का बाजार गिर नहीं सकता। आप घबराएं नहीं, घबराहट में मंडियों में माल ना ले जाएं। बांग्लादेश में अच्छी डिमांड हमारे प्याज की बनी हुई है, जहां पर 30 गाड़ियों का एक्सपोर्ट होता था, आज वहां पर 90 से 100 गाड़ियों का एक्सपोर्ट हम डेली करने लगे हैं। तो ऐसे में घबराहट का कोई माहौल नहीं है। आज भी गोल्टा गोल्टी 24 से 27 रुपए तक बिक रहे हैं, अच्छा सुपर एवरेज एवरेज क्वालिटी वाला माल जो आपका है 27 से 32 रुपए के बीच में प्याज का बाजार हमें बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए आप किसान मित्रों चिंता ना करें, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। जब जब प्याज का बाजार बढ़ा है, इतिहास गवाह है, जब जब भी प्याज का बाजार टाइट हुआ है, सरकार ने पुरजोर कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी 120 रुपए किलो तक प्याज बिका है। तो सरकारें ऐसे ही प्याज के ऊपर खेल खेलती रहेंगी, लेकिन घबराहट में हम लोगों को मंडियों में ज्यादा नहीं जाना है। यदि हमने यह मूर्खता की, तो सरकार हमें पूर्ण रूप से मूर्ख समझेगी, और
उसी मूर्खता का फायदा उठाकर बिचौलिए अच्छा दाम कमा ले जाएंगे और हम किसान जो साल भर मेहनत करते हैं हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपने माल को सोच विचार कर निकालिएगा, धीरे धीरे अपने माल को बाजार में ले जाइएगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि बाजार में माल मत ले जाइए, 30 रुपए का बाजार बहुत अच्छा होता है। जिन किसान मित्रों को प्याज बेचना है वह किसान मित्र अपने प्याज का विक्रय करें, लेकिन धीरे धीरे करें। मंडियों में जहां आप 500 कट्टा ले जा रहे हैं वहां पर आप 50 कट्टे 100 कट्टे डेली ले जाइए तो भीड़ भी नहीं होगी, प्याज का बाजार नहीं दबेगा और इन लोगों की जो मंशा है प्याज के बाजार को गिराने की वह भी टूटती नजर आएगी। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।